लोकसभा चुनाव के बीच नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पीएमएलए के तहत पिछले साल एजेएल की जो प्रॉपर्टी सीज की गई थी उस कार्रवाई को कोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई में कुर्क की गई चल संपत्ति अपराध से अर्जित कमाई है और धन शोधन के अपराध से जुड़ी हुई है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया था कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगह प्रॉपर्टी है जिसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है। वहीं इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ की है।